नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गणित की कक्षा में। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे थे रेशियो एंड प्रोपोर्शन, और रेशियो एंड प्रोपोर्शन में दो से तीन या तीन से चार वीडियो आपके कंप्लीट हो चुके हैं। उम्मीद करते हैं वो सारे वीडियो आपने बहुत अच्छे से देखे होंगे और अच्छे से समझे होंगे और कहीं पर अच्छे से नोट्स भी बनाए होंगे। तो चलिए आज हम शुरू करने वाले हैं उसी के आगे से क्लास। टाइप फोर तक हम लोग पहुँच चुके हैं, आज टाइप फोर से हम लोग स्टार्ट करेंगे। एक एक क्वेश्चन आपको बताते हुए चलेंगे, जैसा कि पिछले वीडियो में आप देखते आ रहे हैं। मैं यहां पर बात करूंगा कि आप लोग कहीं एकांत जगह पर बैठिए जहां पर कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, क्योंकि जहां पर कोई डिस्टर्ब नहीं करता है वहां पर आपका माइंड 100% काम करता है। बहुत अच्छे से आप समझते हैं, ठीक है। तो फिर से वही कहूंगा कि एकांत जगह पर बैठिए जाके, और फिर पूरा फोकस करिए। देखिए फोकस, जब कैमरे का फोकस अच्छा होता है तभी पिक्चर अच्छी आती है। अगर आपका फोकस अच्छा है, आपका केवल फोकस क्वेश्चन पर होना चाहिए। अगर आपका फोकस अच्छा है तो मान के चलिए आपको क्वेश्चन पूरे पूरे समझ में आएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। याद रखिए मैथ्स को सीखने से पहले यहां पर एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहां पर देख रहे हैं ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नहीं है, और ऑप्शन मैंने इस वजह से नहीं रखे हैं क्योंकि अगर ऑप्शन आपको मिल जाते हैं तो आपका थोड़ा सा माइंड ऑप्शन की तरफ भागने लगता है, देन हम कॉन्सेप्ट नहीं सीख पाते हैं। तो मैथ सीखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कॉन्सेप्ट। अगर कॉन्सेप्ट आपका एक बार कंप्लीट हो गया, देन अगर ऑप्शन मिलते हैं आप फटाक से उसका आंसर दे लोगे, ठीक है। तो चलिए, तो मैथ में आपको बताना चाहता हूं सबसे पहले मैथ सीखी कैसे जाती है, मैथ के पिलर कौन से हैं, तो वही चीज हम लोग समझ लेते हैं मैथ कैसे सीखी जाएगी। तो सबसे पहले आप समझिए, मैथ में सबसे पहले हमें चाहिए कॉन्सेप्ट। क्या चाहिए? कॉन्सेप्ट चाहिए। और कॉन्सेप्ट के बाद देन हमको पता होना चाहिए बेटा, देन हमको क्या पता होना चाहिए, देन उसके बाद हमको चाहिए प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के बाद हमको इसका करना है रिवीजन, ठीक है। ये तीन चीजें आपको परफेक्ट तरीके से मैनेज करनी है, और कैसे मैनेज करनी है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। मैथ अगर आपको सीखनी है देन कॉन्सेप्ट आपके 100% दमदार होने चाहिए, पावरफुल होने चाहिए, ठीक है। अगर कॉन्सेप्ट आपके बिल्ड है उसी कॉन्सेप्ट पे आपका 2 से 3 क्वेश्चन पे प्रैक्टिस होना चाहिए, देन उसके बाद रिवीजन। रिवीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर। रिवीजन कैसे करना है? देखो प्रैक्टिस तो मैं करवाऊंगा, जैसा ही आपको मैं कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा उसी से 2-3-4 क्वेश्चन में संबंधित आपका प्रैक्टिस करवाऊंगा, और प्रैक्टिस करने के बाद आपको ध्यान देना है रिवीजन पर। रिवीजन करने का तरीका, आज आपने जो क्लास ली है उसको संडे को पढ़ेंगे, कल आपने जो क्लास ली है उसको भी संडे को कवर करेंगे, उसके बाद परसों जो आपने क्लास ली है उसको भी आप संडे को कवर करेंगे। इस तरीके से आप ऐसा मान के चलिए अगर 4 से 5 क्लासें हफ्ते में आ रही हैं उसका आप संडे को रिवीजन जरूर करेंगे। देन संडे को रिवीजन करने के बाद लास्ट जो मंथ होता है, मंथ में जो लास्ट वीक होता है और लास्ट संडे, लास्ट वीक का लास्ट संडे जो पड़ता है उस पर भी आप जरूर रिवीजन करेंगे। जो भी क्लासेस आपकी बनती हैं 10, 15, 20 जो भी क्लासेस बनती हैं उसका रिवीजन एक साथ जरूर करेंगे। यकीन मानिए आप अगर इस तरीके से योजनाबद्ध तरीके से अगर कोई भी काम करते हैं तो यकीन मानिए सफलता जरूर मिलेगी। और यहां पर सफलता मिलेगी क्योंकि आप इस तरीके से सीख रहे हैं कि आपको एक वे मिल चुका है, उस वे पर चलते रहेंगे तो 100% मैथ आपको श्योर आएगी। चलिए सीखते हैं। तो ये चीज आप जो लोग कर ले जाएंगे मजा आ जाएगी उनको, भाई मजा आ जाएगी। कैसे उनको करना है वो सारी चीजें इनको पता चल जाएगी, ठीक है। तो अब आते हैं अपने क्वेश्चंस पर, अपने क्वेश्चंस पर आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? टाइप फोर हम लोग कर रहे हैं, पहला क्वेश्चन हम लोग चालू करते हैं लगाना। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन कह रहे हैं दो संख्याएं सात अनुपात 13 के अनुपात में हैं, ऐसी छोटी संख्या कौन सी जोड़ी जाए कि अनुपात 2:3 हो जाए। सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन अगर हम कर रहे हैं तो उसको बेसिक से समझने की सबसे ज्यादा हमारे अंदर ये होती है, हलचल होनी चाहिए कि इसको बेसिक से कैसे किया जाए। अगर एक बार बेसिक से हो जाए तब उसके बाद हमारा ध्यान ट्रिक की ओर आना चाहिए। तो वो दोनों चीज़ें हम आपको बताएंगे, बेसिक से कैसे होता है। एक क्वेश्चन हम बेसिक से ज़रूर बताएंगे, फिर उसके बाद बेसिक से बताने के बाद इसमें क्या आप जुगाड़ लगा सकते हैं कि क्वेश्चन बहुत जल्दी से हो जाए, ठीक है। तो चलिए
सबसे पहले देखिए दो संख्याएं 7 और 13 के अनुपात में हैं, तो हम इसको 7/13 कह सकते हैं। जैसे 7/13 के अनुपात में है, यानी अगर ये लिखा है 7/13, तो इसको हम 7/13 भी कह सकते हैं। ठीक है, दोनों का मतलब सेम है। अब क्वेश्चन में कह रहे हैं ऐसी छोटी संख्या कौन सी जोड़ी जाए, तो हमने कहा दोनों तरफ एक्स एक्स जोड़ दिया जाए। ऐसी कौन सी छोटी संख्या जोड़ी जाए, तो हमने कहा एक्स और एक्स वो छोटी संख्या है जिसको हम जोड़ रहे हैं, और कह रहे हैं जोड़ी जाए कि अनुपात कितना हो जाए, 2:3, यानी इसको 2/3 लिख सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाना चाहिए, जब भी आपको ऐसे दिख जाए तो आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 3 × 7 से 3×7 = 21x प्लस 3x बराबर 2×13 = 26 प्लस 2x। अब देखो 3x में 2x घट जाएगा, कितना आ जाएगा, x आ जाएगा। अब 21x में आप क्या करेंगे, देखे 3×21 केवल यहाँ पर 21 था, x नहीं था। 21 में आप 26 घटा देंगे, यानी 21 जहाँ 26 में घटेगा तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। आंसर आपका कितना आ जाएगा, 5। हालांकि बेसिक भी बहुत शॉर्ट था, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन और इसमें स्पीड लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, और इसको बेसिक से और समझते हैं। ठीक है, दो संख्याएं 7/13 के अनुपात में है। क्वेश्चन में कह रहे हैं ऐसी कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए। देखो यहां पर कह रहे हैं जोड़ी जाए, चाहे जोड़ी जाए कहें और चाहे तो घटाई जाए कहें, घटाई जाए कहें, दोनों में आपको यही तरीका अपनाना है। 7/13 के अनुपात में है, एक छोटी संख्या कौन सी जोड़ी जाए कि अनुपात 2:3 क्या हो जाए, 3:3 हो जाए। ठीक है, तो आप यहां पर समझिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3×7 से 3×7 = 21 और 13×2 कितना आ जाएगा, 26, और इन्हीं का अंतर आपका आंसर है, और 26 में 21 का अंतर कितना होगा, तो 5 का होगा, यही आपका क्या है, आंसर। ठीक है, तो आप इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, यहां पर ऐसा होता क्यों है, तो एक बार मैं फिर आपको बता देता हूं, दो संख्याएं 7/13 के अनुपात में है। अब बिल्कुल ध्यान से समझो क्या हम बताना चाह रहे हैं, ऐसी छोटी संख्या कौन सी जोड़ी जाए, तो यहां पर कुछ भी अगर जोड़ा जाएगा तो दोनों में गैप सेम होगा। अगर 7 में कुछ जोड़ा जा रहा है, जैसे कह रहे हैं 7/13 में प्रत्येक में कुछ ना कुछ जोड़ा जाए तो 2:3 बन जाता है, यानी ये वाला गैप इसमें भी तो उतना ही जोड़ा जा रहा है, इधर भी इसमें भी उतना ही जोड़ा जा रहा है, तो जो गैप होना चाहिए यहां और यहां का बराबर होना चाहिए, यानी 7 और 2 का जो गैप हो वही 13 और 3 का होना चाहिए। यहां पर गैप सेम है, 7 और 2 का गैप देखो कितना है, 5 है, 13 और 3 का गैप कितना है, 10 है। अब गैप नहीं सेम है, तो गैप सेम करने का तरीका क्या है, नीचे वाले में जो डिफरेंस होता है, नीचे वाले में जो अंतर होता है, 3 और 2 में अंतर कितने का, 1 का, तो ऊपर गुणा कर देते हैं। ठीक है, और यहीं पर समझेंगे कि 7 और 13 का डिफरेंस कितना है, 6 का है, तो नीचे 6 का गुणा कर देंगे। इतनी बात समझ में है, 1×7 से तो 7 ही आएगा, 1×13 से तो 13 ही आएगा, 6×3 से 6×3 = 18, 6×2 से 6×2 = 12। अब हम देख रहे हैं गैप कितने का है, सेम है, और गैप है कितने का एक्चुअल में, तो एक्चुअल में गैप है 5 का, यही आपका क्या है, आंसर है। भाई 7 में 5 जोड़ो तब 12 आएगा, 13 में 5 जोड़ो तब 18 आएगा, और ये 12 और 18 2:3 ही रेशियो में लिखा हुआ है। तो बात इतनी समझ में आ गई है कि जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए तो केवल क्रॉस मल्टीप्लाई हम करेंगे और आपका आंसर आसानी से निकल आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं, जहां पर जो भी क्वेश्चन जिस भी पैटर्न का क्वेश्चन होगा उस तरीके से हम समझने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर है, दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है। दो संख्याएं क्या है, 3:5 के अनुपात में है, तो चलो 3:5 के अनुपात में है, दोनों में से 9 घटाया जाता है, दोनों में से भाई 9 घटा रहे हैं, इधर भी -9 कर रहे हैं और इधर भी -9 कर रहे हैं, दोनों संख्याओं में -9 कर रहे हैं, तो कह रहे हैं एक अनुपात प्राप्त हो जाता है भाई 12:23 का, कितना प्राप्त हो जाता है, तो 12:23 का। अब दोनों में अगर 9-9 घटा रहे हैं तो गैप सेम होना चाहिए, यहाँ 12 और 3 में गैप है कितने का है, 12 और 3 में 9 का गैप है, 23 और 5 में 18 का गैप है, गैप सेम नहीं है, तो जो 12 और 23 जो नीचे वाला डिफरेंस होगा उसको ऊपर गुणा करेंगे, यानी 23 में 12 घटाया तो 11 आया, इसका ऊपर गुणा कर दिया, 5 और 3 का डिफरेंस कितना है, 2 है, तो नीचे गुणा कर दिया। और याद रखिए रेशियो के किसी भी टर्म में अगर कोई भी छेड़खानी कर रहे हैं, अगर 23 में गुणा किया है तो इसमें भी करना पड़ेगा क्योंकि रेशियो में लिखे हैं, अगर 5 में 11 का गुणा कर रहे हैं तो 11 का गुणा 3 में भी करना पड़ेगा, 11 का गुणा 5 से करते हैं, 11×5 = 55 कितना आ जाएगा, 11×5 = 55 आ जाएगा,
11 का गुणा 3 से करते हैं, 11 तीन 33, 2 का गुणा 23 से तो 46, 2 का गुणा 12 से तो 24। अब देख लेते हैं 33 से 24 कितना ज़्यादा है, तो 33 से 24 कितना कम है, तो 9 ही कम आ रहा है, क्योंकि 9 घटाएंगे जहाँ तो 24 ही आएगा, माइनस 9 दिख भी रहा है, इधर भी माइनस 9 है, इधर भी माइनस 9 है, और क्वेश्चन में भी क्या है, माइनस 9 ही दे रहा है। तो यानी हम यहाँ समझ जाएंगे 9 की वैल्यू अगर 9 है तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, कट गया, 1 की वैल्यू अगर 1 हो गई, अगर 1 की वैल्यू 1 है तो 1 का गुणा 33 से करो तो आंसर आपका 33 ही आएगा, आंसर क्या आएगा आपका 33 ही आएगा। अगर 1 का गुणा आप 55 से करोगे तो 55 ही आएगा। तो वो संख्याएं क्या है बच्चा, तो संख्याएं हैं 33 और 55, ये आपका क्या है आंसर है, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे, आप बेसिक भी कर सकते थे कि अगर आप ये लिख लेते कि दो संख्याएं हैं, यहाँ पर आप 3 और 5x इसको ऐसे लिखते और दोनों में 9 माइनस कर देते, दोनों में क्या करते 9 माइनस कर देते, बराबर फिर रेशियो कितना मिल रहा है 12/23। अब इसको यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे, फिर जो x की वैल्यू आएगी उसमें 3 का गुणा कर दोगे, फिर 5 का गुणा कर दोगे, संख्याएं आ जाएंगी, बेसिक तरीका है लगाने का, ठीक है, कर ले जाओगे। अगर आपको इस तरीके से करना तो ये भी अच्छा तरीका है, कोई वो नहीं है, थोड़ा सा टाइम लगेगा बस। चलते क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल एक के जैसे है, 7:13 की कौन सी संख्या जोड़ी जाए, तो 7:13 लिखिए। उसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं 2:3 हो जाए, कितनी हो जाए 2:3 हो जाए, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 13 का 2 से गुणा कितना आ जाएगा 13 × 2 = 26, 7 का गुणा 3 से 7 × 3 कितना आ जाएगा 21, और भाई अंतर कितना है, तो अंतर है 26 और 21 का कितना है 5, ये आपका आंसर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और डिफरेंस ही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। हाँ तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है नहीं, 5 से करते हैं, ठीक है। चलिए 6, 7, 15, 17 में से प्रत्येक में कौन सी छोटी संख्या जोड़ी जाए कि परिणामी संख्याएं समानुपाती हो जाए, समानुपाती का मतलब होता है समान अनुपात में ये संख्याएं हो जाएं, बेसिक समझते हैं, कहने का मतलब है 6, 7 ये अनुपात में है और आगे वाला क्या है 15 और 17, इसमें क्या क्या जोड़ा जाए, तो हम कह रहे हैं x इसमें भी जोड़ दो, x इसमें भी जोड़ दो, और x इसमें भी जोड़ दो, और x इसमें भी जोड़ दो, अब ये संख्या क्या हो जाएंगी समानुपाती हो जाएंगी, यानी इसको हम ये भी लगा सकते हैं, और ये अगर नहीं लगाना चाहते हैं तो हम इसकी जगह पर बराबर भी लगा सकते हैं, समानुपाती, यानी ये इनका जो इनसे अनुपात है वही इनका इनसे अनुपात हो जाए, 6 का 7 से जो अनुपात है वही 15 का 17 से अनुपात हो जाए, 6 और 7, 15 और 17 में क्या जोड़ा जाए ऐसा, ये क्वेश्चन का मतलब है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, आपका आंसर बिल्कुल आ जाएगा, ठीक है, करके भी देख सकते हैं, 6 का गुणा 17 से 17 = 102 + 6x + x का गुणा करते हैं हम, तो कितना आ जाएगा 17x + x² बराबर, आगे करना है तो पहले 7 का गुणा करते हैं, 15 से 305 + 7x + x² = 15x + x² से आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कि x² कट गया, ठीक है, यहीं पर 17 6 कितना हो गया, तो 102 + 23x = यहाँ पर कितना 105 + 17 7 और 15 22x, तो 22 इधर आएगा तो x की वैल्यू 102 इधर जाएगा तो 3, x की वैल्यू कितनी आ गई 3, यानी वो संख्या क्या है 3 है, यानी क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर कितना है 3। अब ये 3 है क्या, इसको फिर समझते हैं कि ये 3 समानुपाती, कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि 3 समानुपाती हो जाए, तो दिखा रहे हैं आपको समानुपाती कैसे होता है, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर रफ करता हूँ, ये बात समझ में हमें आ गई है, ठीक है। अब 3 जोड़ो, 6 3 कितना हुआ 9/7 3 कितना हुआ 10, यानी 9/10 आ रहा है, तो इधर भी 9/10 ही रेशियो होना चाहिए, 15 में 3 जोड़ा तो कितना आया 18 और 17 में 3 जोड़ा तो आया 20, हाँ तो रहा है 2 × 18 = 2×10 = 20, 9/10 इधर भी आ रहा है, इधर भी 9/10 था, तो यानी ये क्या है 9/10 समानुपात है 18/20 के, यानी 9/10, ठीक है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, इसको कैसे करना है, तो ये चीज़ आप समझते हैं जल्दी से कैसे होगा, तो इस कॉन्सेप्ट पर ध्यान देते हैं, 6
सात, 15 और 17। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अंदर अंदर जोड़ेंगे और बाहर बाहर जोड़ेंगे। पहले क्या करेंगे, जोड़ेंगे। 15 सात कितना हुआ, 22। ठीक है, डिफरेंस कितना है, 17 और 6 जोड़ेंगे तो कितना है, 23। इनमें जो डिफरेंस है उससे हम डिवाइड करते हैं, तो डिफरेंस कितने का है, एक। तो एक का एक से डिवाइड करेंगे, कोई फर्क तो आएगा नहीं, संख्या निकालनी है हमें वाली। ठीक है, अब इनका इनका गुणा करते हैं। 15 सत्य कितना आएगा, 105। अंदर अंदर गुणा, अब अंदर पहले अंदर अंदर जोड़ लिया, फिर अंदर अंदर गुणा करके भी डिफरेंस लेंगे, तो 17 छक्का कितना आ गया, 102। और 105 में 102 घटाया तो कितना आया, 3 आया। अब एक से हमें क्या करना, डिवाइड करना है, तो 3/1 कितना आ जाएगा, 3 ही आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा, 3। तो इस तरीके से हमको ये सॉल्व करना था। जैसा आपको दिख रहा है, एक क्वेश्चन और है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर आठ पहले हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आठ को कैसे करना है, 7, 16, 43, 79। 7, 16, 43, 79। फिर से समझिएगा, पहले अंदर अंदर गुणा, बाहर बाहर गुणा। जब भी समानुपाती हो जाए उसका मैं तरीका सिखा रहा हूँ आपको। 16, 43 के 8 हासिल लगे 4। 16, 43 के 8 हासिल लगे 4। 16 चौको 64। 64 4 कितना हो जाएगा, तो 68। ठीक है, माइनस 79 का 7 से गुणा करना है। 7, 63 के 3 हासिल लगे 6। 56 42। 42 6 कितना हो जाएगा, 6, 7, 8। 7, 63 के 3 हासिल लगे 6। 7, 49। 49 6 55 होगा बेटा। हाँ बिल्कुल सही है। बटे क्या करना है, इनको जोड़कर जो डिफरेंस है उससे डिवाइड करना है। 16 और 43 कितना हो, 6, 3, 9। 4, 1, 5, 59 माइनस 9 में 7, 9, 7 जोड़ा कितना आया, 7, 7, 9, 1, 10 80 और 80 6, 86। यहाँ पर कितना आएगा, 8 में 3 गया 5, 8 में 5 गया 3 और 6 में 5 गया 135। यहाँ पे 6 में 9 गए, अंतर है ये, डिफरेंस का निशान है, जो जिसमें घटे। ठीक है, तो 6 में 9 गए, 16 में 9 गए 7 और 2 27। 27 से इसको काट देंगे, कितना आ जाएगा, 27 पंचे होता है 135। यानी वो संख्या कितनी है, 5 है। कौन सी संख्या जोड़ी जाए तो आंसर हमारा होगा, वो संख्या है 5। 5 जोड़ी जाए, ठीक है। आप इस तरीके से कर सकते हो, वो सब एक्स वाई जेड नहीं मानना है तो। ठीक है, करने का तरीका मैं आपको फिर बता देता हूँ, करना कितना है। ध्यान दीजिए, पहले जो गुणा करेंगे, फिर अंतिम का अंतिम से, यानी आखिरी वाले का, बाहर बाहर का गुणा, अंदर अंदर का गुणा, डिफरेंस ऊपर रहेगा, जो गुणा रहेगा ऊपर रहेगा, फिर अंदर अंदर का गुणा जोड़ना है और बाहर बाहर का गुणा जोड़ना, बाहर बाहर का जोड़ना है, जो बाहर बाहर संख्या है उनको जोड़ना है, और जो उनका डिफरेंस होगा वो नीचे रखेंगे, उसी से डिवाइड करेंगे, आंसर 5 आ जाएगा। ये आपका तरीका होगा। एक क्वेश्चन और कर लेंगे, ठीक है, कोई डाउट होना नहीं चाहिए किसी को। क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 2 संख्याओं का अनुपात 2:3 है। 2 संख्याओं का अनुपात कितना है 2:3 है। यदि पहली में दो घटाया जाए और दूसरी में 2 जोड़ा जाए, इसमें -2 कर रहे हैं और इधर कर रहे हैं +2, तो क्वेश्चन कह रहे हैं तो वह अनुपात 1:2 हो जाता है। कितना हो जाता है, 1:2 हो जाता है। यदि पहली में 2 घटाया जाए और दूसरी में 2 जोड़ा जाए तो वह अनुपात 2:1:3 हो जाता है। कितना हो जाता है, 1:2 हो जाता है। एक चीज अच्छा समझिए, 2 जोड़ा जा रहा है और 2 घटाया जा रहा है, 2 जोड़ा जा रहा है इसमें, यानी टोटल में कोई कमी नहीं हो रही है। ठीक है, तो यानी एक चीज हम कह सकते हैं, 3, 2, 5, ऊपर कितना टोटल है, 5 है, नीचे कितना टोटल है, 2, 1, 3 है। यानी 3 का गुणा हम किधर, ऊपर वाले रेशियो में कर देंगे, और 5 का गुणा हम कहाँ कर देंगे, नीचे वाले रेशियो में कर देंगे। ठीक है, उसके बाद आपको खुद पता चल जाएगा। 3 का गुणा हमने 3 × 2 कितना आ गया, 6। 3 का गुणा 3 × 9, 5 का गुणा करते हैं तो 5 × 1 = 5 और 5 × 2 = 10। आपको यहाँ पर दिख रहा है 6 में 5 घट रहा है लेकिन 9 में 10 बढ़ रहा है। ये इधर क्या हो रहा है, इधर 2 है 1 की वैल्यू, यहाँ पर -1 हो रहा है और यहाँ पर कितना -2 हो रहा है, यानी 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 2। हमको पता चल गई 1 की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो हम तुरंत आंसर बता देंगे। तो संख्याओं का योग कितना है, तो 6 9 15 यहाँ पर कितना है,
कितने यूनिट है, 15 यूनिट है, 6 और 6 × 9 = 15, और एक की एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो 15 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 15 × 2 = 30, और आप इसे बेसिक से भी कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 है अनुपात 11:15 के दोनों मदों में कौन सी संख्या घटाई जाए, 11:15 के दोनों मदों में कौन सी संख्या घटाई जाए ताकि वह 2:3 बन जाए, कितनी बन जाए, 2:3 बन जाए। मैंने बताया 15 × 2 = 30, घटाया जाए चाहे जोड़ा जाए, 11 से कितना आ जाएगा, 33, डिफरेंस कितना है तो 3 है, यही 33 और 30 में डिफरेंस, अंतर कितने का है, 3 का है, आंसर हमारा कितना आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 3। 11:15 और 2:3 में ऐसी कौन सी संख्या, 11:15 में ऐसी कौन सी संख्या घटाई जाए कि 2:3 बन जाए, तो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 11 × 3 = 33, 15 × 2 = 30, 33 और 30 का अंतर कितना है, 3 है। तो इतनी बात आपको यहां पर समझ में आ गई होगी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन आपके सामने इस टाइप के हैं, टाइप 5 पे थोड़ा सा कैलकुलेशन है, उनको भी सॉल्व कर लेते हैं। जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिले तो 3 कहाँ आ जाएगा, 3 इधर आ जाएगा, यहाँ से हटके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। अब a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 2 है, हमने बताया a की वैल्यू जब निकालनी हो तो क्या कर लो, a की वैल्यू जब निकालनी हो तो a छुपा लो, ठीक है, a की वैल्यू क्या है, 2 आ गई, ठीक है। और b की वैल्यू कितनी है, a के गुणज में है, यानी b की वैल्यू कितनी है, 3 है, b की वैल्यू a के साथ बैठी है, a की वैल्यू b के साथ बैठी होगी। जब भी हमने आपको बताया है, ये सब चीज़ें बता चुका हूँ मैं, 3a बराबर, अगर बराबर लिखे 4b, तो a की वैल्यू b के साथ बैठी है, b की वैल्यू a के साथ बैठी हुई, जब बीच में बराबर का निशान लगाओ, ठीक है। तो ये चीज़ें हमको छोटी छोटी चीज़ें स्टोर करते हुए चलना है, जितनी छोटी छोटी चीज़ें जब स्टोर हो जाएंगी मैथ ऑटोमेटिक आने आपको लगेगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, और यहाँ पर लिखा है, और b का c, देखो b क्या है, b यहाँ पर b बराबर c का 4/5 है, तो 5 का गुणा यहाँ हो जाएगा b से, 5 इधर आ गया यहाँ से हटके, तो यहाँ पर b की वैल्यू 4 हो गई और c की वैल्यू क्या हो गई, 5 हो गई। तो a b c कंबाइंड रेशियो बनाना है, कंबाइंड रेशियो हमारे लिए खेल है, बहुत जल्दी हम बना लेंगे a b और c। सिखाया है आपको कि a कितना है, ए यहाँ पर ए 2 है और बी 3 है, ए 2 है, बी कितना है, 3 है, अपनी रो में लिख लिया। अब क्या करना है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्वेश्चन है बी कितना है, यहाँ पर बी है 4, बी कितना है, बी के नीचे 4, और अनुपात यहाँ पर देख रहे हैं सी कितना है, तो सी है 5, सी कितना है, 5, ठीक है। ये चीज़ हमको करनी है। अब देखो यहाँ पर एक प्लेस यहाँ पर खाली है, एक प्लेस यहाँ पर खाली है, 3 है इधर तो 3 इधर खिसक आएगा, 4 है तो 4 इधर खिसक आएगा, बस गुणा करना है, 4 × 2 = 8, 3 × 4 = 12, 5 × 3 = 15, 8 × 12 = 15, यही आपका क्या है, आंसर है, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इतनी बात यहां पर आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। a का 5.5 बराबर, a का 5.5 यानी a इंटू 5.5 बराबर क्या है, b का यानी इंटू 0.65, ये कह रहे हैं, तो ये अनुपात b निकालना है। हमने बताया है a की वैल्यू b के साथ बैठी होती है और b की वैल्यू a के साथ बैठी होती है, तो हमें a अनुपात b बताना है केवल। a कितना है, तो a है 6.65 अनुपात, यहाँ पर b कितना है, तो 5.5 है, 5 पॉइंट कितना है, 5.5 है। यहाँ पर एक जीरो लगा लिया, दोनों तरफ दो अंकों के बाद दशमलव, दो अंकों के बाद दशमलव, दशमलव को हमने क्या कर दिया, हटा दिया, बस काटना है, तो 5 से कट गया, 13×65 होता है, 5×5, 5×5, 5×0 = 0, कितना गया, 13:110, 13:110 आपका क्या है, आंसर है। तो ये बात आपको समझ में आ गई है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 है, पहले
क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, दो संख्याओं का अनुपात 9:7 है तथा इनका गुणनफल। जब भी गुणनफल की बात होती है तो हम x जरूर मान लेते हैं, 9:7 है तो पहली संख्या हो जाएगी 9x और ये हो जाएगी 7x और इनका गुणनफल क्या है, तो गुणनफल कितना है, तो गुणनफल भाई बता दिया है 1575 है। कितना है, 1575 है। तो चलिए काटते हैं, 9 से पहले हमने काटा इसको, तो कितना आ जाएगा, 9 के 9, 6 से 63, 7 और 4 9 5 45, 7 से इसको काट दिया तो आ जाएगा 7 2 14 3 7 5 35। यानी x का गुणा x से होगा तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर 25 है देन x की वैल्यू अंडर रूट 25 होगी कि नहीं होगी, हो जाएगी। तो अगर अंडर रूट 25 का मान कितना होता है, तो 5 होता है, रूट 25 इजकल टू 5, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं x बराबर कितना आ गया, 5 आ गया है और यही हमारा क्या है, आंसर है। लेकिन पूछा क्या है, तो छोटी संख्या बताइए, यानी x की वैल्यू अगर 5 है तो इनमें इनमें छोटी संख्या तो 7x थी ना, तो 7x यानी 7 गुणा x की वैल्यू कितनी है, 5 है, यानी छोटी संख्या कितनी है, 35 है। क्या है, 35 है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, संख्याओं का अनुपात 3:4 में है, उनके वर्गों का योग। ये भी ऐसे ही क्वेश्चन है, 3:3 कितना है, 3:4 है, इनके वर्गों का योग। यानी x मान लो तुरंत 3x2, 3 का भी तो करना है, 3 तरफ को 9x2, 4 4 16 x2, इनके वर्गों का योग कितना है, तो क्वेश्चन में बता दिया इनके वर्गों का योग कितना है, 400 है। कितना है, 400 है। और हम देख रहे हैं 16 9 कितना होता है, 16 9 होता है 25, 25x2 की वैल्यू आ गई है 400। 25 से हमने इसको काटा तो 25 6 100 और 4 4 16, यानी x2 की वैल्यू अगर 16 है तो x की वैल्यू अंडर रूट 16 होगी और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। अगर x की वैल्यू 4 है तो हमने एक संख्या मानी थी 4x, तभी तो 4x का स्क्वायर किया तो 16x2 हुआ था, 3x का स्क्वायर किया था 9x2 हुआ था। तो क्वेश्चन में पूछा गया है तो संख्याओं का योग कितना है, तो हमने एक संख्या x मानी 4x मानी थी, एक संख्या 3x मानी थी, योग कितना है, 4 3 7x, तो 7x योग है, लेकिन x की वैल्यू कितनी है, तो 4 है, यानी 4 का गुणा केवल 7 से करना है, 7 4 28, यही आपका क्या है, आंसर है, यही आपका क्या है, आंसर है। तो बात इतनी समझ में आ गई होगी, आसान से क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 1 सही 1/2 और 1 सही 1/2 के वर्गों के व्युत्क्रम किस अनुपात में होंगे। चलो करते हैं, 1 सही 1/3, तो 2 1 9 2 1 3/2, 3 1 9 3 1 4/3। कह रहे हैं कि इनके वर्गों के व्युत्क्रम, वर्ग करो फिर उसका क्या कर दो, व्युत्क्रम कर दो। तो इसका वर्ग कर लिया जाए तो वर्ग कितना हो जाएगा, 3 9/2 2 4 अनुपात, 4 6 16 और 3 कितना आ जाएगा, 9। लेकिन व्युत्क्रम कह रहे हैं तो पलट दो दोनों को, 4/9, ये व्युत्क्रम पूछ रहे हैं यानी इनवर्स पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, इनवर्स पूछ रहे हैं। तो 4/ कितना हो जाएगा, 9 अनुपात, 9/ कितना हो जाएगा, 16। अब जब भी इस कंडीशन में आए, लेकिन रेशियो कभी भी फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं होता है, तब हम क्या करते हैं, 16 का गुणा 4 से, 16 6 64 अनुपात, 9 का गुणा 9 से, 9 9 81 कितना आ जाएगा, 16:81, ये आपका आंसर हो जाएगा। पूछा गया है ना वर्गों के व्युत्क्रम किस अनुपात में होंगे, तो व्युत्क्रम अनुपात में होंगे 6 64:81। इसको बेसिक से अगर और जल्दी करना है तो हम यहाँ ये कर सकते थे कि इसको 1 सही 1/2 को हम क्या लिखते हैं, 2 1 9 2 1 3/2 अनुपात, 3 1 3 1 4/3, यही तो कहते हैं 4/3। अब क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, इनके व्युत्क्रम करो, पहले तो कभी भी रेशियो को फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं लिखते, तो 3 3 9, 2 2 6 8, यही तो होगा भाई, 3 1 3 1 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब कह रहे हैं इनका व्युत्क्रम निकालो 9:8 का, उल्टा मतलब व्युत्क्रम क्या होता है, उल्टा होता है, इनवर्स करना है, तो इनवर्स 8:9 हो जाएगा,
फिर कह रहे इसका वर्ग कर दो, व्युत्क्रम वर्गों के व्युत्क्रम वर्ग भी कर दो, तो 88 कितना हो जाएगा 64/981। यही आपसे पूछा था, आप इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, हाँ क्वेश्चन है, तीन संख्याएं हैं जो कि 1:2, 2:3 के रेशियो में है, उनके घनों का अनुपात, उनके घनों का योग कह रहे हैं 4500 है, यानी घनों का योग है, तो हम क्या करेंगे 1:2:3, तो एक संख्या x है, एक संख्या 2x है और एक संख्या 3x है, इनके घनों का योग कह रहे हैं, तो क्यूब लगा दो भाई, क्यूब लगा दो, बराबर कितना है, तो क्वेश्चन में बताया गया 4500 है, कितना है 4500 है। तो यहां पर देखना है तीन त्रिको नौ त्रिक 27, एक एकन्ना में एक एकन्ना में एक एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब ही हो जाएगा, प्लस दो दुना चार दुना आठ, आठ एक्स क्यूब, ये ब्रैकेट है पूरा, ये पूरे ब्रैकेट की बात हो रही है, पूरे ब्रैकेट का क्यूब, यानी प्लस तीन त्रिको नौ त्रिक 27 एक्स क्यूब बराबर 4500। यहाँ 27 आठ एक नौ, नौ त्रिक 27, नौ पुना 45, नौ त्रिक 27 नौ 36 हो जाएगा, 36 यक्स क्यूब, क्यूब है बराबर 4500, न चौक 36, नौ पना 45, चार से इसको काटा 25 आया, एक्स क्यूब की वैल्यू आ गई 125, देन हम कह सकते हैं एक्स बराबर कितना है 5 है, कितना है एक्स बराबर कितना है 5 है, और अगर एक्स बराबर 5 है तो कह रहे हैं सबसे छोटी संख्या बताओ, तो एक्स बराबर 5 है तो सबसे छोटी संख्या तो एक्स ही थी, दूसरी 2x थी, तीसरी 3x थी, हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, 5 का गुणा 1 से कर दो, 5 इक्के 5, सबसे छोटी संख्या क्या है तो 5 है आंसर। तो इस तरीके से आपको समझना है कैसे क्वेश्चन को करना है, तो समझ में आ रही बातें हमारी, चलते क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 हमको देखना है, पूरे पृथ्वी में भूमि और जल का अनुपात कितना है 1:2 है, यहाँ पर हमको देखना है पूरे पृथ्वी की बात कर रहे हैं, अभी पूरी पृथ्वी की बात कर रहे हैं, यहाँ पर अगर एक हम पृथ्वी बना लें यहाँ पर ऐसे, तो पूरी पृथ्वी में इस पार्ट को हम कहते हैं उत्तरी गोलार्ध, इस पार्ट को हम कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध, जो दक्षिण में वो दक्षिणी गोलार्ध है, और बताया पूरे पृथ्वी में भूमि और जल क्या कह रहे हैं, जो भूमि है, भूमि और जल, भूमि माने पृथ्वी का रेशियो कितना है 1:2 है, 1:2 कितना है 2 है, इसको हम दो तीन तरीकों से कर सकते हैं और दो तीन तरीके हम ही समझेंगे, फिर उसके बाद बेसिक तरीका भी बता देंगे आपको। ठीक है, क्वेश्चन कह रहे हैं यदि उत्तरी गोलार्ध में यह अनुपात 3:2 है, यानी ये कह रहे हैं 3:2 है, यानी उत्तरी गोलार्ध में 3 क्या है भूमि है और 2 क्या है जल है, तो दक्षिण में आपसे पूछा है, दक्षिण में आपसे पूछा है कि दक्षिण में क्या होगा, कह रहे हैं दक्षिणी गोलार्ध में इसका अनुपात कितना होगा। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले तो आप देख रहे हो ना भूमि 1 और जल 2 ही है, ठीक है, तो आप देखो 2 1 टोटल जोड़ रहे हैं 3 हुआ, यहाँ पे 3 2 कितना हुआ 5 हुआ, है ना, तो 5 हुआ ना 5 3 15, क्योंकि अभी इसमें भी रेशियो कटेगा ना, दशमलव में ना आए तो हम ऐसी संख्या मान लेते हैं 5 3 15 2 30 30 हम मान लेते हैं, माना कि पूरी में पृथ्वी और जल मिलाकर टोटल कितना था 30 था, जिसमें 2 1 3 हमने 3 बराबर किसके कर दिया 30 के कर दिया, 1 बराबर किसके हो गया 10 के हो गया, 1 बराबर किसके हो गया 10 के, यानी 1 बराबर 10 के, तो 10 9 10 10 2 20 पूरी पृथ्वी में हमने मान लिया भूमि और जल मिलाकर कितना था 30 था, जिसमें भूमि कितनी थी 10 थी, जल कितना था 20 ही पार्ट था, ठीक है, जल कितना था 20 पार्ट था। अब कह रहे हैं कि यहां पर इन्होंने क्या कहा, पूरी पृथ्वी में अगर 30 जल और पानी मिलाकर है तो 30 को हम कैसे डिवाइड करेंगे, आधा आधा डिवाइड कर दो, यानी ऊपर 15 होगा और नीचे भी 15 होगा, इस 15 में 3:2 में डिवाइड कर दो इस 15 को, ठीक है, तो 3 2 5 5 बराबर 15 तो 1 बराबर 5 3 15 1 बराबर 3 तो 3 3 1 कितना हो जाएगा 9 और 3 2 1 कितना हो जाएगा 6, यानी उत्तर में हमें पता चल गया एग्जैक्ट 9 भूमि थी तो जल कितना था 6 था, कितना था 6 था,
ठीक है। तो यहां पर तुरंत यहां पर हमें देखना है अब जो नीचे बची है कंडीशन उसमें क्या होगा। यहां पर बता दिया है कि टोटल कितना है 10 और 20 है, टोटल 10 और 10 में 9 हमने क्या कर लिया है यूज कर लिया, 10 में 6 हमने घटाया तो कितना आ जाएगा। भूमि कितनी है, भूमि यहां पर रेशियो कुछ थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है भाई, पृथ्वी में भूमि और जल 1:2 है, यहां पर इसको भाई 2:3 कर लो, पलट लो जरा, अगर नहीं कर दो तब भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपका आंसर थोड़ा सा बदल जाएगा। यहां पर क्या है, यहां पर पहले आपको ऐसे ही बता देते हैं कि टोटल 15:15:30 था, ऊपर नीचे दिया टोटल 10 है, तो 10 में भूमि कितनी है 9 है, तो यहां पर कितना बचा 1:1। यहां पर जल कितना है, जल है 20, 20 में 6 जल यूज हो चुका है तो कितना है 14, 1:14, ये कहां हो जाएगा नीचे हो जाएगा। दक्षिणी गोलार्ध में 1 अगर भूमि होगी तो 14 पानी होगा। अगर ये क्वेश्चन को हम यहाँ पर रेशियो 3:2 की जगह 2:3 ले लें, कितना ले लें 2:3 ले लें, तो थोड़ा सा यहाँ पर 2:3 कर लेते हैं, 2:3, 3 × 2 = 5, 5 × 3 = 15, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, टोटल 10 भूमि थी, भूमि टोटल कितनी थी 10, अगर टोटल भूमि 10 है तो 10 में 6 घटा दिया कितना आएगा 4 आएगा, कितना आएगा 4 अनुपात। 20, 20 में 9 घटा दिया, टोटल जल 20 है जिसमें उत्तर में 9 ही है, 20 में 9 घटा दिया कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 11, तो 4:1 कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। तो ये चीज़ें हमको समझनी है, एक बेसिक तरीका आपको बताते हैं बहुत सरल है, ये नहीं करना है हमको, जो करना है पहले वो समझते हैं, ठीक है। देखो पूरी पृथ्वी का हम देख लेते हैं, ये क्या है, पृथ्वी में पूरी पृथ्वी का भूमि और जल, भूमि और जल का देखते हैं, तो पृथ्वी पर भूमि और जल 1:2 1:2 है। अब कह रहे उत्तरी गोलार्ध यानी उत्तर की बात की जाए तो कह रहे उत्तर में यह रेशियो 2:3, इसको कर लो बेटा, इसको 2:3 कर लो, इसको क्या करना है 2:3, तो 2:3 2:3, ठीक है। यहीं पर एक चीज देखना है कि 1:2 2:3 है, तो दक्षिण का हमें निकालना है, दक्षिण का निकालने के लिए लेकिन एक चीज समझो कि जो भूमि होती है, जो भूमि है वो क्या है दोगुना है, भूमि दोगुना होती कि नहीं होती, भूमि दोगुना होगी उत्तरी गोलार्ध से, उत्तरी गोलार्ध तो आधा होगा ना, अगर ये 1/2 होगा तो ये 1 होगा, या अगर एक ये 2 होगी तो ये कितना होगा 1 होगी, तो रेशियो बनेगा 2:1, लेकिन पहले तो बराबर करना पड़ेगा, 3 × 2 = 5, ऊपर गुणा कर दो किससे 5 से, 2 × 1 = 3, नीचे गुणा कर दो किससे 3 से, पहले 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, देखो 5 × 10 = 15, 9 × 6 = 15, 15 हो गया, लेकिन 15 रेशियो के 15 भूमि और 15 ही उत्तरी गोलार्ध होगा, नहीं उत्तरी गोलार्ध तो आधा होता है, पृथ्वी दोगुना होती है, तो ऊपर वाले रेशियो को हम दोगुना कर देंगे, बस तो 2 × 5 कितना आ जाएगा 10 और 2 × 10 कितना आ जाएगा 20, ठीक है। अब ये कितना है 6 और 9, ये वाला ऐसे ही उतार देंगे, उत्तरी गोलार्ध ये पृथ्वी है, ये वाला क्या है पृथ्वी वाला रेशियो है, ये उत्तरी गोलार्ध वाला रेशियो है, 10 में 6 का कितना है 4 और 20 में 9 का कितना है 11, ये आपका आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से इन क्वेश्चन को हमें करना होता है, ठीक है। चलिए कभी हम बेसिक से पूरी जानकारी देंगे फिर से, चलिए अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, यहाँ पर कह रहे हैं संख्याएं एक्स वाई एवं जेड क्रमशः 2:3:5 हो, क्या हो 2:3:5 हो, 2:3:5 हो, यदि x प्लस वाई प्लस जेड 80 है तो z बराबर ax माइनस 8 हो तो a बराबर कितना होगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ठीक है। फिर से समझो क्वेश्चन में कहा गया है कि 2:3:5 हो यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 80 है तो z बराबर ax माइनस 8 हो तो a की वैल्यू निकालो, काफी आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ देखिए x प्लस वाई बराबर जेड बराबर 80 है और यहाँ कितना है 5 × 3 = 8 = 9 = 10, 10 बराबर कितना हो जाएगा, तो क्वेश्चन में ही कर लेते हैं 10 बराबर 80 के, तो 1 बराबर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 बराबर आ जाएगी 8, 1 बराबर कितना आ गया 8 आ गया है। अब अगर 1 बराबर 8 के है तो हमें पता चल गया 8 दूना कितना है 16 है, 8 त्रिक कितना है 24 है,
और 8 पंचे कितना है 40, वो संख्याएं पता चल गई हमें। अब हमसे कह रहे हैं एक्स, एक्स यानी ए की वैल्यू यहाँ पे बतानी है, ए की वैल्यू बतानी, जेड हमें पता है, जेड कितना है, तो जेड है 40, 40 बराबर ए एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी है, तो एक्स वैल्यू 16 है, तो 16 ए माइनस कितना है 8, 8 इधर गया तो आ गया 32 और यहाँ पर आ जाएगा 16 ए, 16 से इसको काट दिया, ए की वैल्यू कितनी आ गई, तो ए की वैल्यू आ गई 2, ए की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो यहाँ पर हमने कुछ सवाल किए हैं जिनको हमने बेसिक से बताने की कोशिश आपको की है, और ऐसे आपको क्वेश्चन जैसे ही परीक्षा में मिलेंगे तो आपसे आसानी से हो जाएंगे अगर अच्छे से आपने क्लास को समझा है। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं इसी उत्साह और उमंग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।